फिरोजाबाद में कुछ इस तरह निकाला 12 वफात का जुलूस। सबसे आगे लहराया तिरंगा। मुस्लिम समाज के लोगों का सड़कों पर उमड़ा हुजूम। बच्चों, महिलाओं से लेकर पुरुषों ने लहराया तिरंगा। फिरोजाबाद में बुधवार को ईद मिलादुल नबी का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला गया। सड़कों पर महिला, पुरुषों के अलावा बच्चे भी काफी तादाद में नजर आ रहे थे। जुलूस में सबसे आगे तिरंगा लहरा रहा था। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के इंतजाम किए गए थे। ईद मिलादुल नबी अन्य त्योहारों से इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इसका कारण यह है कि इस माह की चांद की 12 तारीख को इस्लाम मजहब के बानी हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई और रबीउल अव्वल को आप इस दुनिया से रुखसत भी हुए। 12 वफात के दिन खुदा ने भेजा मोहम्मद साहब को। हजरत रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने पैदा करके इंसानों की हिदायत के वास्ते ज़मीन पर भेजा ताकि वे लोगों को उम्दा तालीम देकर उन्हें नेक इंसान बनाएं। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट।
मुबारक मौके का दिन है। आज के दिन उनकी पैदाइश हुई थी और हम इसको बड़े जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कि 15 अगस्त को हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, इसी तरीके से 15 अगस्त को देश, हमारा देश जो है अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था, और आज 12 अप्रैल के दिन पूरी कायनात, पूरा देश जो है शैतान के चंगुल से आज़ाद हुआ था। हमारे नबी की पैदाइश के मौके पर ये शैतान पूरे जहान में उजाला हो गया, और हम इसे बड़े जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। भैया छोटी मस्जिद से मैं जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। सर आज जो 12 अप्रैल का जो जुलूस निकाला जा रहा है, इस मुबारक मौके पे आप नगरवासियों को क्या मतलब मैं टूंडला के हर उस शख्स को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। ये टूंडला है, यहाँ हम सब मिलकर ये त्यौहार मना रहे हैं और ये कृष्ण आपके सामने। मैं इस टूंडला के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, आज के इस त्यौहार पर भी और आने वाले किसी भी त्यौहार पर सब मिलजुल कर रहें, किसी की बातों में ना आए। हम सब मिलकर रहेंगे तो यहाँ का वातावरण हमेशा अमन और चैन का रहेगा।